सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो आप देख रहे हैं इक्वा फॉर एन आर्ट तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मैंने अपने एक्वेरियम टैंक क्लीन किया था और मेरे बहुत सारे फिश मर गए आपको पता है तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमारा टैंक अभी एकदम क्लीन किया हुआ है तो मैंने सोचा कि कुछ न्यू फिशेज रखूँ तो मैं अभी जाने वाला हूँ एक्वेरियम शॉप में देखते हैं वहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज के फिशेज देखेंगे कौन सा फिश हमें पसंद आता है लाएंगे आज ठीक है तो चलिए जाते हैं तो गैज अभी हम शॉप में आ चुके हैं तो चलिए अभी अंदर जाएंगे फिर आपको सारे फिशेस एक एक करके दिखाने वाला हूँ मैं और हमें कौन सा पसंद आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अब एंजल फिशेस है और मॉली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे ब्लैक मोर्स है ये देखिए एंजल फिशेस है ब्लैक है लॉन्ग टेल एंजल फिश है ये और यहाँ पर ब्लैक शर्क्स है साथ में कुछ गोरामी भी है लार्ज साइज़ के गोरामीज़ है येलो एंड ब्लू गोरामीज तो गोरामी मैंने पहले भी ख़रीदा था तो गोरामी मैं नहीं लेने वाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बिनोज ऑस्कर है जो कि मेरा फेवरेट फिश है तो जब भी कभी मौका मिलेगा तो एक अलग सा मॉन्स टैंक मैं ज़रूर बनाऊंगा ऑस्कस के लिए तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कुछ कार्प्स है यहाँ पर अच्छे से कोई कार्प और यहाँ पर नॉर्मल गोल्ड फिश है साथ में देख सकते हैं चिकलिड है तो फिलहाल मेरे टैंक में एक चिकलिड भी है तो मैं चिकलिड तो अभी नहीं लूँगा तो आगे देखते और क्या कौन से कौन से फिशेस है तो सारे फिशेस मैंने आपको नहीं दिखा पाया वीडियो में और जो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं कौन सा लूँगा तो मैं ये कलर हुई डो टेट्रा लेने वाला हूँ जिसे हम ग्लो फिश भी कहते हैं बहुत ही अच्छे है ब्राइट है और आप देख सकते हैं कितने एक्टिव है सारे फिशेस तो मैं एक पेयर लेने वाला हूँ यहाँ से देखते हैं कौन सा कलर लेते हैं क्योंकि येलो और ग्रीन हमारे पास पहले से है तो घर पे जाके मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द वीडियो में बने रहना डायरेक्ट मिलता हूँ घर पे तो यहाँ पर मैंने फिशेज लिया है ये मैंने एक पेयर वीडियो खरीदा है यहाँ पर देख सकते एक पिंक कलर का है और दूसरा ऑरेंज कलर का है तो इसे मैं अभी एक्मेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर डाल दूंगा तो ये मैंने यहाँ पर एक्लिमेशन प्रोसेस के लिए 10 से 15 मिनट तक मिनिमम 20 मिनट्स यहाँ पर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद तो गैज यहाँ पर पूरे आधे घंटे हो चुका है फ़िश को एक्लमेशन होते हुए तो अभी हम इसको रिलीज़ कर देंगे और आप जब भी अपने फिशेस रिलीज़ करें एक्वेरियम में न्यू फिशेस तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पानी आपको शॉप से मिलता है वो आप फेंक दें तो अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा ये पानी मैं अभी फेंक के इसको एक्वेरियम में छोड़ दूंगा फिशेस को तो आप लोग मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का इंतज़ार करना मिलता हूँ बहुत जल्द आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बाय बाय